हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भास्कर भैया। आज हम आए सीबीएसई के सेंटर पर जहां पर 12th का इंग्लिश का एग्जाम चल रहा है। तो देखो, अगर बात करें इंग्लिश की तो सब्जेक्ट वैसे इजी रहता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए, हम देखेंगे आज का हमारा एग्जाम कैसा आया सीबीएसई का, बच्चों को कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है, कैसे उन्होंने अपना स्टाइल अपनाया, कैसे कैसे उन्होंने कितना पेपर अटेम्प्ट किया, वो पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट का रिएक्शन यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो ये आज आपका इंग्लिश का पेपर था, तो ये आपका फर्स्ट पेपर था या पहले भी आपने पेपर दिया? फर्स्ट पेपर था। कैसा आपका एग्जाम रहने वाला? सभी लोगों का एग्जाम आज इंग्लिश का एग्जाम रहा है, तो कैसा लाइक सबका एग्जाम? ईजी एग्जाम रहा सबके लिए या थोड़ा टफ? कैसा एग्जाम रहा? ईजी था, बट इंग्लिश का पेपर वाज लाइक वेरी लेंथी। तो लेंथी एग्जाम रहा, आपको कैसा रहा? देखो, पेपर तो था अच्छे मार्क्स लाने वाला, मतलब 3 नंबर से ज़्यादा नहीं कटते पेपर, ऐसा था, लेकिन हुआ नहीं वो अलग बात। ओके, यानी काफ़ी लेंथी रहा आपके लिए? लेंथी बहुत। और आपके लिए कैसा रहा? सभी के लिए इजी रहा था। और पहला टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं तो वो कैसे रहे आपके लिए? क्या पैरेलल क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे रहे आपके लिए? अरे रुको जरा, इंग्लिश का पेपर तो कर लिया, अब केमिस्ट्री का क्या? क्योंकि देखो, इंग्लिश के लिए तो आपने काफी अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको डबल मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर आपके पास फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीन तीन चीजें आती हैं, और हर एक चीज को अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लाने 95+ मार्क्स तो इसके लिए आपको तीनों ही चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो, बात यह आती है कि हमारे पास केवल 4 ही दिन है, अब 4 दिन में इनको कैसे कंप्लीट करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिकल में भी न्यूमेरिकल आता है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन कन्वर्जन वाले, नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे किया जाए? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपके पास हुई। तो मैंने आपके लिए इतना अच्छा शेड्यूल सेट किया जिससे आप 4 दिनों में पूरी की पूरी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से कर पाओगे, जिसमें हम पूरे सैंपल पेपर भी करेंगे अच्छे से, प्लस मॉडल पेपर भी करेंगे, और हमें जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं। तो एक बार हम शेड्यूल अच्छे से देख लेते हैं अपना। तो शेड्यूल क्या रहेगा आपका? देखो, शेड्यूल कुछ ऐसे रहने वाला है कि 24 फरवरी की अगर बात करें तो 7 PM को, शाम को 7 बजे पहले हम क्लास लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी नेम रिएक्शन है सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी वे में मैं आपको सारे के सारे नेम रिएक्शन अच्छे से याद करवा दूंगा, जहां से आप रिएक्शन कन्वर्जन भी और नेम रिएक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दिन 25 को क्या करेंगे कि सुबह 10 बजे क्लास लेंगे, जिसमें हम पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी पूरा ही मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि थ्योरी में आपको कंसेप्ट भी चाहिए होगा तो वो भी बताया जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मुलेज आते हैं वो कैसे आने वाले हैं, कैसे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके बाद 25 को ही शाम को 7 बजे क्या करेंगे, हम एक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेंगे विद ऑल लॉजिक एंड कंसेप्ट। ओके, इसके बाद आएगा 26 की बात करेंगे, जिसमें हम आएंगे सुबह 10 बजे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि देखो अगर ध्यान दो यहाँ पे, नेम रिएक्शन तो आपने सारी अच्छे से कर ली है, लेकिन केवल नेम रिएक्शन थोड़ी आती है, और भी चीज़ें तो आती हैं जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 26 को कर लेंगे सुबह 10 बजे। ठीक है, इसके बाद देखो, आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक बार तो आपने कर ही लिया इसमें, है ना, अब क्या करेंगे शाम के टाइम पे हम क्या करेंगे, 7 बजे के अराउंड हम ये करेंगे कि आपका एक सैंपल पेपर पूरा कर लेंगे जो मैंने आपके लिए प्रॉपरली सेट किया। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक सैंपल पेपर जो मैंने आपके लिए सेट किया उसको हम एक बार पूरा कर लेंगे, जैसे कि आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये आप एक तरीके से प्री बोर्ड की तरह ले सकते हो, है ना, अगर देखो बोर्ड में जाने से पहले प्री बोर्ड जैसे होते हैं तो उसी स्टाइल में जैसे बोर्ड में बैठो तो आपको कोई अजीब ना लगे, आप आराम से कर पाओ, जो थिंकिंग है, जो लॉजिक कैसे लगाना है क्वेश्चन करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा यहां पे। प्लस जैसे क्वेश्चन बनता है दिमाग में बहुत ज्यादा कि सेक्शन ए बी सी डी ई, जो आपके सेक्शन से पहले किसको करें, बाद में किसको करें, किस ऑर्डर में करना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी मैं आपको 26 तारीख को शाम को 7 बजे सैंपल पेपर के टाइम पे प्रॉपर्ली बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 27 हमारे पास डे है,
इसमें हम क्या करेंगे, सुबह 10 बजे क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को हम अच्छे तरीके से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो इस पर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए पहले ही सेट करके रखा हूं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। इसके बाद 27 फरवरी को शाम को 5 बजे क्या करेंगे, हम जितने भी मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड जो कन्वर्जन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, या जो आपके आए हुए प्रीवियस ईयर में, तो उनको भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अगर इतना अगर आपने कर लिया ना, तो कसम से 4 दिनों के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी अच्छे से हो जाएगी, चाहे आपकी थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस क्यों ना हो, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं कि अगर यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो कोई चांस नहीं रहेगा कि यार एग्जाम में कोई क्वेश्चन रह जाए। ओके, तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज आदित्य भाटिया। तो ये आपका एज इंग्लिश एग्जाम था, तो लाइक कैसा रहा आपका? लाइक एग्जाम वाज प्रीटी इजी, बट द लेंथ ऑफ पेपर वाज लाइक वेरी लॉन्ग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माय क्लास They told like they were not able to do Yes, I like finished it in like last week. Yeah, like the exam was of like 80 marks and I am expecting 72 to 75. Okay, यानी काफी एक अच्छा पेपर रहा आपके लिए, है ना? पर आपका बहुत लेंदी पेपर था, उसके बाद से हम कैंप को पाया। अच्छा, क्या आपने पहला क्वेश्चन आए थे? बोल रहा हूँ जो पहला टाइप क्वेश्चन से बदल गए वापस में आएंगे तो बच्चों ये तो रहा हमारा इंग्लिश का एग्जाम जो कि कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सभी का एग्जाम अच्छा रहा होगा। अब बारी आती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री कैसे किया जाए, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका भास्कर भैया आ रहा हूँ डाउट नेट के लर्न एंड फन के क्लास 11-12 चैनल पर शाम को 7 बजे, जहाँ पर हम अच्छे तरीके से पूरी केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं।